हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा लैग मसल की 5 बिगेस्ट मिस्टेक। जी हाँ दोस्तों, बहुत से जो भाई लोग हैं हमारे बिगिनर्स लोग हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं लैग मसल में और मतलब कहीं ना कहीं उनको इंजरी हो जाती है। तो दोस्तों उसी टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाई है कि क्या मिस्टेक करते हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और वो मिस्टेक अपनी सुधार करें। दोस्तों अपनी जो पहली मिस्टेक है वो है नॉट अ प्रॉपर वार्म अप। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग वार्म अप करते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं करते, तो और बहुत से लोग तो करते ही नहीं और वैसे ही एक्सरसाइज चालू कर जाते हैं जिस कारण उनकी बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। तो दोस्तों अपना पहला वार्म अप करें, है ना, जैसे आप 10 मिनट नसों को तान लें, वार्म अप कर लें इस तरीके से। जब भी आप वार्म अप करते हो फुल बॉडी वार्म अप करें आगे 10 मिनट, है ना, लेग में, क्योंकि आप जब स्क्वाट लगाओगे, हैमस्टिक लगाओगे, डेड लिफ्ट लगाओगे तो आपकी पूरी बॉडी काम करेगी ना। तो दोस्तों कंपाउंड एक्सरसाइज हैं वो सारी, तो उनमें आप पूरी बॉडी की पहले 10 मिनट वार्म अप कर लें, उसके बाद आप जब लेग की एक्सरसाइज चालू करने जाओ उससे पहले आप 5 मिनट रनिंग करें और 5 मिनट लाइट वेट से लेग को अच्छे से ट्रेन करें। 5 मिनट लाइट वेट से ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि आप हैवी जाओगे लेग में तो आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक मतलब इंजरी ना हो, उससे आपको बचाने में ये काम करेगा। क्यों, क्योंकि आपकी मसल अच्छे से मतलब वार्म हो जाएगी तो आपको उसमें लोड डालने में मदद मिलेगी ना। दोस्तों ये ध्यान रखें, आपको प्रॉपर वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अपनी दूसरी जो मिस्टेक है वो है नॉट गोइंग अ कॉन्सेंट्रिक फेलियर। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी लेग मसल की बात आएगी तो उसमें आपको अच्छा वर्कआउट, तगड़ा वर्कआउट और फुल फटीक और फेलियर तक तो जाना ही पड़ेगा, तब जाके आपके लेग मतलब डेवलप होंगे। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, जैसे आप स्क्वाट कर रहे हो ना, आपने ये एक्सरसाइज लगा ली, आपने लगाए 8 रैप, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेंथ बची है और 4 रैप लगाने की और आपने वो नहीं लगाए हैं तो आपका कोई मतलब नहीं है दोस्तों वो 8 रैप लगाने का। क्यों, क्योंकि आप फेलियर तक गई ही नहीं है दोस्तों। तो यही होता है कॉन्सेंट्रिक फेलियर कि आप जब भी कोई सेट लगाओ उसमें आप 8 रैप लगा रहे हो तो उसमें आपको 12 रैप तक जाना है, 4 आपको प्लस करना ही करना है अपनी स्ट्रेंथ से, अंदर की इनर स्ट्रेंथ पूरी लगाना है और 4 वो रैप उसमें डालना ही है ना। जिससे दोस्तों आपको जो फेलियर होगा ना उससे आपकी मसल अच्छे से फटीक होगी और वही होता है दोस्तों अपना कॉन्सेंट्रिक फेलियर और आपका लेग भी ग्रो होगा। दोस्तों अपन बात करेंगे थर्ड मिस्टेक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तीसरी जो मिस्टेक है वो है स्क्वाट्स में। बहुत से जो भाई लोग हैं हमारे बिगिनर्स लोग हैं सही से स्क्वाट नहीं करते हैं और उनको इंजरी हो सकती है। दोस्तों क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी चले जाते हैं और अच्छे से जो पोस्चर है वो मेंटेन नहीं कर पाते और इंजरी हो सकती है। तो दोस्तों आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, जब भी आप स्क्वाट करो आपसे नहीं लग रही है तो आप लाइट वेट से शुरू करें। आपने 10 केजी से शुरू किया है ना, आप एक दो सेट लगा लिए, प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आप 20 केजी लगाओ, एक दो सेट लगा, फिर आप 40 से लगाओ, ऐसे ही ऐसे आप वेट बढ़ाते जाओ और आप देखोगे अपने आप आपका पोस्चर भी सही होगा और वेट भी बढ़ने लगेगा दोस्तों। और आपका जो करने का तरीका है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब भी आप लेग करो तो वो बाहर की तरह आपके मूव रहें, अंदर की साइड न रह रहे। बहुत से भाई लोग अंदर की ओर कर लेते हैं इस कारण उनका मतलब सही से ट्रेन नहीं हो पाते। तो इस तरीके से बाहर की ओर करें और जब भी आप नीचे की ओर बैठें तो इस मसल जो मसल पर ध्यान रखें और इसकी बदौलत बैठें इस तरीके से जब भी आप नीचे की ओर आएंगे। और आप जब नीचे आए तो आपको ज़्यादा इतना नीचे भी नहीं आना है और ना ही ज़्यादा इतना ऊपर रहना है, आपको पैरेलल रहना है इतना, जिससे आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और अच्छे से एक्सरसाइज भी हो जाए। तो दोस्तों ये मिस्टेक आपको स्क्वाट में नहीं करना है, ध्यान रखना है। दोस्तों अपनी चौथी जो मिस्टेक है वो नॉट गोइंग हैवी इन हैमस्ट्रिंग। जी हाँ दोस्तों, जब भी हैमस्ट्रिंग की बात आती है आप हैवी नहीं जाते, कभी आप लंगेस में डाल देते हो, कभी आप कर्ल में करते हो और हैवी नहीं जाते हो, जिस कारण आप उसको ग्रो नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कमी रह जाती। दोस्तों उस कमी के पूरी करने के लिए आपको एक मैं बेस्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो है ये वाली डेड लिफ्ट, है ना। इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को करना है और माइंड मसल कनेक्शन बना लेना अपनी पूरी जो लेग्स पर, है ना। ये दोस्तों आप जितना मर्जी जा सकते हो उसमें हैवी बारबल से और जितना मर्जी ट्रेन करना है उतना मर्जी आप ट्रेन कर सकते हो लेग्स को। तो दोस्तों आप इसमें हैवी जा सकते हो और बहुत से भाई लोग हमारे जो मिस्टेक करते हैं वो हैवी नहीं जाते इसमें, जिस कारण उनको ग्रो नहीं होते,
अच्छा लेग कंप्लीट नहीं हो पाता और बढ़िया नहीं बन पाता। तो दोस्तों ये मिस्टेक ना करें, ध्यान रखें। दोस्तों अपनी लास्ट और फिफ्थ जो मिस्टेक है वो है नॉट फोकस ऑन कॉक मसल। जी हाँ दोस्तों, बहुत से भाई लोग अपने इग्नोर कर देते हैं, उस पर फोकस ही नहीं करते। भाई उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी मसल है जिस पर आपका पूरा वेट, बॉडी वेट और जो भी लोड उठाते हो वो रखा है उस पर, मतलब उसकी बदौलत आप जब भी कोई स्क्वाट कर रहे हैं उस पर ही वेट आएगा, है ना। मतलब कोई भी एक्सरसाइज करो, इतने हैवी हैवी एक्सरसाइज करते हो दोस्तों, तो ये मसल को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, काफ मसल को। तो दोस्तों इसको इग्नोर ना करें और इसको अच्छे से ट्रेन करें, है ना। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।